हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट जॉब पर। डेली जी के डोज के अंदर ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे इसको कैग। आपने वर्ड सुना होगा कैग, कंपोटोलर ऑडिटर जनरल, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है, वन लाइनर याद रखना है, पॉलिटी का क्वेश्चन है। और राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर है, ये मैंने पहले भी बहुत बार याद कराया है, अगर आपको याद है तो मेरे साथ साथ आप लोग बोल सकते हो। राष्ट्रपति का अनुच्छेद कौन सा है? 52। उपराष्ट्रपति का था 63। और प्रधानमंत्री का कौन सा अनुच्छेद है? 74। ठीक है, राष्ट्रपति की मिनिमम आयु कितनी होती है राष्ट्रपति बनने के लिए? 35 साल। उपराष्ट्रपति भी 35 साल और प्रधानमंत्री की 25 साल। अगर पूछे इनकी मैक्सिमम आयु, तो इनकी मैक्सिमम आयु कोई भी नहीं होती, तो आंसर आएगा नो एज लिमिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? विधानसभा में जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव कौन करता है? तो वो करता है विधानसभा के सदस्य। जिस भी राज्य के अंदर विधानसभा है उसके जो सदस्य होंगे वो ही उसमें से अपना एक अध्यक्ष सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो कौन सा राज्य इन चारों में से जहां पे विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा है? तो ये मैं बता देती हूँ और आप लोग मुझे जल्दी से नीचे कमेंट करिए कि उस राज्य के अंदर विधानसभा सीटें है कितनी। तो वो राज्य है कौन सा? यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जो कौन सी नदी के किनारे हैं? गोमती नदी के किनारे हैं। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। बिहार की कैपिटल है पटना, पटना है गंगा नदी के किनारे। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? कल भी मैंने सौरमंडल से एक क्वेश्चन कराया था कि सौरमंडल में ग्रह की संख्या कितनी है, तो उसका आंसर क्या था? 8। सौरमंडल में जो ग्रह है वो टोटल हमारे 8 है। तो ग्रह सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज की थी कोपरनिकस ने, ये मैंने आपको पहले बता दिया। लेकिन ग्रह की गति का नियम किसने दिया था? तो वो दिया था केपलर ने। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, इनको अलग अलग याद करना। सौर प्रणाली की खोज की थी कोपरनिकस ने और ग्रह की गति का नियम दिया था केपलर ने। ठीक है, और ग्रह की संख्या कितनी होती है? 8। सबसे भारी ग्रह पूछे या सबसे बड़ा ग्रह पूछे, तो आंसर आएगा बृहस्पति। सबसे चमकीला ग्रह पूछे और पूछे कि कौन सा इवनिंग स्टार है या मॉर्निंग स्टार है, तो उसका आंसर होगा आपका शुक्र। ठीक है, और कल एक क्वेश्चन गलती से रह गया था, उसके अंदर स्लाइड के अंदर था, शायद मैंने बोला नहीं कि कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों के अंदर करता है, या सबसे कम टाइम में करता है या सबसे तेज करता है। तो वो ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है वो 88 दिनों के अंदर यानी कि सबसे तेज सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है, यानी कौन से दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है? तो वो होती है 3 जनवरी को। नेक्स्ट है, अंडा उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है? पहले भी मैंने कई क्रांति करा दी, कौन कौन सी क्रांति करा दी? सबसे पहले हरित क्रांति, हरित क्रांति खाद्यान्न से रिलेटेड थी। फिर कराई थी मैंने आपको श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति दूध और डेयरी से रिलेटेड थी। सुनहरी क्रांति फल से रिलेटेड थी। नीली क्रांति मछली पालन से रिलेटेड थी। लाल क्रांति टमाटर और मांस से रिलेटेड थी। तो अंडा उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है? रजत क्रांति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर मेला भारत में कहाँ लगता है? तो पुष्कर मेला पता है पुष्कर कहाँ पर है, तो आपको आइडिया भी लग जाएगा। पुष्कर मेला लगता है राजस्थान के अंदर। ठीक है, और अगर क्वेश्चन आता है कि वर्मा जी का एकमात्र मंदिर है वो कहाँ पर है, तो वो भी है पुष्कर के अंदर। ठीक है, तो बाकी सबकी राजधानियां तो मैंने बताई दी आपको, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, मध्य प्रदेश की भोपाल, राजस्थान की जयपुर और हरियाणा और पंजाब की क्या है? चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोकुछिया ताल झील भारत के किस राज्य में है? एक झील का नाम है, वो भी ऐसी झील जिसके पीछे क्या आ रहा है? ताल। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी पहले पहले कि जिस भी झील के पीछे ताल है वो सारी की सारी कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर, एक झील को छोड़ के। कौन सी? भोजताल। भोजताल पूछे तो आंसर क्या आ जाएगा? मध्य प्रदेश। बाकी कोई भी झील हो, नैनीताल, ठीक है, कोई भी झील हो उसके पीछे ताल वर्ड आ रहा है, तो वो झील कहाँ मिलेगी आपको? उत्तराखंड के अंदर मिलेगी। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और जम्मू कश्मीर की राजधानी है जम्मू और श्रीनगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है शंघाई, जो कहाँ पर है? चाइना के अंदर है। ठीक है, वन लाइनर याद रखना है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड ओजोन डे कब आता है? तो वर्ल्ड ओजोन डे, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 16 सितंबर को। ठीक है, तो 15 सितंबर को क्या आता है? वो आता है इंजीनियर डे।
14 सितंबर को क्या आता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और 5 सितंबर को आता है राष्ट्रीय शिक्षा शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस है ये, टीचर डे। ठीक है, तो अगर पूछे इंटरनेशनल हिंदी दिवस कब आता है या इंटरनेशनल हिंदी डे कब आता है, तो वो आएगा 10 जनवरी, मैंने पहले कराया हुआ है आपको। अगर पूछे इंटरनेशनल टीचर डे कब आता है या वर्ल्ड टीचर डे, तो वो आ जाएगा 5 अक्टूबर को। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, जल्दी से मुझे नीचे कमेंट करिए। सिंधिया कप किस खेल में दिया जाता है? अगर वीडियो सुनने के बाद, जो डेली मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ, अगर आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है और अगर आपको जीके याद हो रही है, तो प्लीज़ चैनल को, जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हो, जो भी हमारे चैनल पे नए हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और आगे से आगे शेयर जरूर कर दिया करो। ठीक है, थैंक यू।